तमनार के मीलूपारा स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी गारे पाल्मा 4/5 के मेन गेट के सामने तमनार ब्लॉक की स्थानीय ट्रेलर मालिक संघ द्वारा हड़ताल कर उचित भाड़ा की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व भी ट्रेलर मालिकों द्वारा भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ट्रेलर मालिकों को भाड़ा दर बढ़ाने का आश्वासन मिला था, लेकिन भाड़ा आज तक नहीं बढ़ाया गया। तमनार के मिलूपारा स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी गारे पेल्मा 4/5 के मुख्य द्वार के सामने तमनार ब्लॉक के स्थानीय ट्रेलर मालिकों द्वारा हड़ताल कर उचित भाड़ा दर की मांग को लेकर धरने पर बैठे स्थानीय ट्रेलर मालिकों का कहना है कि 3 माह पूर्व जब इसी बात को लेकर के स्थानीय ट्रेलर मालिकों ने धरना दिया, तब कंपनी प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर, पुलिस व प्रशासन के बीच वार्ता के लिए तमनार थाना बुलाया गया था, जहां कंपनी प्रबंधन उपस्थित नहीं रहे। वहीं पुलिस प्रशासन, स्थानीय वाहन मालिक व ट्रांसपोर्टर उपस्थित थे, जहां चारों के बीच बैठक कर स्थानीय ट्रेलर मालिकों को उचित भाड़ा देने का फैसला हुआ था। साथ ही डीओ मिलने के पश्चात स्थानीय वाहन मालिकों से मीटिंग कर उचित दर तय करने की बात कही गई थी। वहीं 3 महीने बीत जाने के बाद न तो ट्रांसपोर्ट स्थानीय मालिकों का फोन उठाते हैं और न ही उनसे मिलने आते हैं। साथ ही डिस्पैच के मैनेजर एस श्रीवास्तव स्थानीय वाहन मालिकों से बात करने को तैयार नहीं है। स्थानीय वाहन मालिक डिस्पैच मैनेजर को ट्रांसपोर्टरों से मिली भगत की बात कह रहे हैं। उचित भाड़ा नहीं मिलने तक, फैसला नहीं होने तक स्थानीय ट्रेलर मालिकों ने कंपनी से कोयले की निकासी को बंद कर दिया है। वहीं जब मीडिया ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया और अपने अड़ियल रवैये से कहा कि जो होगा देख लेंगे। स्थानीय ट्रेलर मालिकों द्वारा इसी बात को लेकर के तमनार पुलिस, तमनार तहसीलदार व कंपनी प्रबंधन को भी आवेदन दिया गया है। वहीं स्थानीय ट्रेलर मालिक को उचित भाड़ा व समय पर भाड़ा नहीं मिलने के कारण वे अपनी गाड़ियों की किस्ती पटाने में भी असक्षम हो रहे हैं। वहीं जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहने की बात कह रहे हैं। सही और उचित भाड़ा सही समय में और सही दर में नहीं दिया जा रहा है। पिछला बार भी हमने इस मांग को शासन के सामने भी और कंपनियों के बीच में रखा था। सभी ट्रांसपोर्टर लोग भी आए थे, उनसे बातचीत भी हुआ था। इन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था भाड़ा बढ़ा कर देने का, उन्होंने काम करने के बाद वो भाड़ा ट्रांसपोर्टर द्वारा हमको नहीं दिलाया गया। इसीलिए आज हम फिर उस मांग को लेकर यहाँ पे सब मौजूद हुए हैं और धरना में बैठे हैं। हमारा दिन ब दिन ट्रांसपोर्टर लोग शोषण कर रहे हैं। उनको ज़्यादा पैसा मिलता है कंपनी से और हमको कम दर में और बहुत लेट में पेमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा शोषण हो रहा है। ये चीज़ को हम अगर हिंडाल्को कंपनी को बोल रहे हैं तो हम हिंडाल्को कंपनी साफ अपना जवाबदारी से मुकर रही है। वो ये बोलती है कि सारा जवाबदारी ट्रांसपोर्टर का है और ट्रांसपोर्टर हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमारा कौन सुनेगा? इसमें तो ये हो रहा है कि गाड़ी मालिक दिन ब दिन बर्बाद होगा और सुनने वाला कोई नहीं है। ट्रांसपोर्टर अगर हिंडाल्को का है और हिंडाल्को बोलता है कि हम कोई इसका कोई जवाबदारी नहीं है, सारा जवाबदारी ट्रांसपोर्टर का है, तो ट्रांसपोर्टर तो अब जो मन लगेगा वही करेगा, गाड़ी मालिक का सुनने वाला कोई नहीं है। हमने प्रशासन के सामने भी ये पुनः इसको ज्ञापन परसों दिया गया है और वो भी बोली है कि भाई उनके समक्ष चूंकि बात हुई थी तो वो भी बोली है कि आप अपने स्तर से आप अपना जंग जारी रखिए, क्योंकि ये आपका अधिकार का मामला है और अगर वो बोल के मुकरे हैं तो ये गलत है। पूर्व में इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय हुआ था? ट्रांसपोर्टर थाना प्रशासन और तहसीलदार साहब के समक्ष हमारे बीच में समझौता करके आश्वासन दिए थे कि हम भाड़ा बढ़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा काम करने के बाद नहीं हुआ, हमको वो बढ़ा हुआ रेट नहीं मिला। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।